मेरा नंबर है जी 9416160958, तो उस नंबर पे आप मैसेज डालो और मैसेज डाल के आप व्हाट्सएप पे कहेंगे तो मैं उनको एडवाइजरी फॉरवर्ड कर दूंगा। अगर आपके बच्चे ने किया है 12वीं पास तो केवल डिग्री ही क्यों, लक्ष्य कोचिंग सिरसा लेकर आया है फाउंडेशन बैच, जिसमें एडमिशन लेकर आपका बच्चा कर सकता है डिग्री के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी और बन सकता है IAS, IPS, HCS, इनकम टैक्स और एक्साइज ऑफिसर और कर सकता है आपके वे अपने सपनों को साकार। नमस्कार, स्वागत आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ CCHAU के वैज्ञानिक डॉक्टर देवेंद्र जाखड़ जी के पास। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा गांव-गांव जाकर के किसानों को जागरूक करने का काम जो है वो किया जा रहा है। तो ऐसे में किस संबंध में जागरूक कर रहे हैं, किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि अपनी फसल को कीटों से और अपनी फसल को बीमारियों से जो है वो कैसे बचाना है, तो इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए डॉक्टर देवेंद्र जाखड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या मुख्य रीज़न है और कपास और धान की फसल को लेकर के वो क्या कुछ कहते हैं, किस तरह से हम किसान जो है वो अपनी फसलों को कीटों से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात करें तो फसल के अंदर सबसे पहले, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में चल रही है गुलाबी सुंडी, तो गुलाबी सुंडी को किस प्रकार से हम बचा सकते हैं? गुलाबी सुंडी को से फसल को बचाने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम करना ज़रूरी है। सबसे पहले फसल के अंदर संतुलित खाद डालना ज़रूरी है। उसके बाद में 60 दिन की जब फसल हो जाए तो उसके ऊपर निगरानी रखनी ज़रूरी है। निगरानी रखने के लिए उसमें फेरोमोन ट्रैप लगाने ज़रूरी है। एक एकड़ में 2 फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं और उसके अंदर ल्योर डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि जो मेल प्रोड है, कीट का जो मेल प्रोड है, वो उसके अंदर आकर्षित होकर उसके अंदर फंस जाता है। फिर जो प्रोड का, जो कीट का मेल प्रोड है, उसकी हम एक्टिविटी को नोट करते हैं खेत में जाके। अगर एक फेरोमोन ट्रैप में 5 से 7 पतंगे उसके अंदर मिल जाए तो आप, हम ये समझ सकते हैं कि खेत के अंदर स्प्रे करने की ज़रूरत है। इस एक्टिविटी को हम 3 दिन तक नोट करते हैं। तीनों दिन अगर 5-5, 7-7 पतंगे उसके अंदर फेरोमोन ट्रैप में मिले तो स्प्रे करने की ज़रूरत है, अन्यथा नहीं। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि एक एकड़ के अंदर 2 फेरोमोन ट्रैप जो है वो लगाने ज़रूरी हैं, लेकिन 2 फेरोमोन ट्रैप्स के अंदर अगर मान लो 5-5, 7-7 आ जाते हैं, तो अगर एक एकड़ के अंदर हम 10 फेरोमोन ट्रैप लगा देते हैं तो उससे कहीं ना कहीं गुलाबी सुंडी से राहत फसल को नहीं मिलेगी? नहीं, फेरोमोन ट्रैप है वो गुलाबी सुंडी की जानकारी देने के लिए या उससे सचेत करने के लिए है, ये कंट्रोल के लिए नहीं है। इससे हमें पता लग जाए कि जो कीट है उसकी एक्टिविटी है, हमारे जो कीट का पतंगा है वो मौजूद है और वो अंडे देगा या उसकी जो फीमेल है वो अंडे देगी और उससे नुकसान होने की संभावना है। आप अनेकों फेरोमोन ट्रैप लगा के कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने एक खेत में फेरोमोन ट्रैप लगा दिए तो जो ये उड़ के दूसरे खेत में और में इसका जो दायरा होता है वो काफ़ी लंबा होता है, तो सिर्फ फेरोमोन ट्रैप से इसको कंट्रोल हम नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा अभी आपने जब आप संबोधन दे रहे थे तो आपने जिक्र किया कि पौधे के अंदर लोहे की कमी हो जाती है, वो केवल धान की फसल के अंदर कमी होती है या नरमा की फसल में भी हो सकती है? पोषक तत्व जमीन में जब कम होता है तो जो भी हम फसल बोते हैं उसी फसल में उसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, पर लोहे की कमी के लक्षण धान और गेहूँ में ज़्यादा नज़र आते हैं। लोहे की कमी के कारण जो ऊपर से दूसरा या तीसरा पत्ता है वो पीला हो जाता है और इसको सफलता से ठीक किया जा सकता है। बस किसान को जानकारी होनी चाहिए, अगर लक्षण दिखाई दें तो 0.5% अराकसिस या फेरस सल्फेट का परणीय छिड़काव किया जा सकता है 100 लीटर पानी में घोल के। 0.5% का मतलब है 0.5 किलो अराकसिस या फेरस सल्फेट 100 लीटर पानी में। ठीक है, अभी आपने एक जिक्र और भी किया था कि आप अगर पौधे को यूरिया या DAP दे रहे हैं तो उसका जो क्या प्रोसीजर होता है, किस समय में यूरिया DAP जो है वो पौधे में डालना है? रमेश जी, इसमें जो अलग अलग खादें होती है या अलग अलग पोषक तत्व है, उसका ज़मीन के अंदर अलग स्वभाव होता है, पौधे के अंदर अलग अलग स्वभाव होता है। जिस तरह फॉस्फोरस है कि मैं बात करूँ तो वो ज़मीन के अंदर चलायमान नहीं होता। फॉस्फोरस या DAP मैं कहूँ, जहाँ भी आपने डाल दिया तो वो फास्फोरस वहीं पे फिक्स हो जाता है, ज़मीन के संपर्क में आते वो रह जाता, वहीं रह जाता है। तो पौधे की जड़ को चलकर उसके पास जाना पड़ता है, न कि पोषक तत्व पौधे की जड़ के पास जाएगा। तो अगर हम 45 दिन पे डालते हैं तो उस टाइम जो जड़ है वो ज़्यादातर डिवेल्प हो चुकी होती है, उसका विकास पूर्ण हो चुका होता है, तो उस टाइम अगर हम फास्फोरस डालते हैं तो उसका औचित्य थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए हम किसान भाइयों को यही कहते हैं कि आप फास्फोरस का प्रयोग बिजाई के टाइम करें। हमने यहाँ
अलग अलग गांव में तजुर्बे लगाए थे, उसमें हमने यही पाया था कि जिन तजुर्बों में फास्फोरस बिजाई के टाइम डाला गया वहाँ पैदावार ज़्यादा थी, रोगों का प्रकोप कम था, और जिन तजुर्बों में फास्फोरस बिजाई के बाद में 45 दिन पर डाला गया है वहाँ पर उखेड़ा रोग का भी प्रकोप ज़्यादा था, पैदावार भी कम आई। अभी आपने जिक्र किया था कि यूरिया जो है वो पौधे को 30% ही मिल पाती है जैसे हम छिड़काव करते हैं, तो ऐसे में इफ्को के द्वारा जो है नैनो यूरिया लाई गई है, तो नैनो यूरिया कितना आप मानते हैं, कितना कारगर है, कितना प्रतिशत पौधे को मिलता है? नैनो यूरिया के बारे में ये है कि उसका परणीय छिड़काव होता है नैनो यूरिया का, एक नीम लेपित यूरिया भी आई थी, तो नीम लेपित यूरिया से ये था कि उसका जो अंदर जो प्रभावी यूरिया का जो दाना है वो थोड़ा बड़ा बना दिया, तो उससे क्या होता था कि वो धीरे 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 करके घुलेगा और धीरे धीरे उससे नाइट्रोजन है जो ज़मीन के अंदर रिलीज होगी, तो वो पौधा उसको धीरे धीरे करके लेता रहेगा। जो नैनो यूरिया है उसका कंसेप्ट थोड़ा सा इसमें अलग है, उसका पत्तों के ऊपर स्प्रे होता है तो वो ज़मीन के संपर्क में नहीं आता, तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो पत्तों के ऊपर होती है। यानी कि वो ज़्यादा जो नैनो यूरिया है वो ज़्यादा कारगर साबित हो रही है? उसके ऊपर अभी शोध जारी है, अभी उसकी आपस में तुलना है, ठीक है प्रभावी है पर अभी उसके बारे में ज़्यादा या कम अभी उसके ऊपर अभी काम होना बाकी है। जैसे ही बीमारी का जिक्र आता है या पौधा जो है वो थोड़ा दो दो फीट का या ढाई ढाई फीट तक का होता है तो किसान खेत के अंदर स्प्रे करने लग जाता है बिना कुछ रोग की जांच किए, तो ऐसे में किसानों को, जिन किसानों को एक यूं कहूं कि एक क्रेज़ होता है कि हमें फसलों के अंदर स्प्रे करना ही करना है, तो उन किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह की स्प्रे की जानी चाहिए? रमेश जी, हम हर सीज़न में किसानों से अधिक संपर्क में आने के लिए प्रोग्राम आयोजित करते रहते हैं, जैसे किसान मेले आयोजित करना, गांव में जाके ग्रुप मीटिंग आयोजित करना, कृषि विज्ञान केंद्र में मेले आयोजित करना, ट्रेनिंग करना, ये सारे प्रोग्राम हम करते रहते हैं, और उन प्रोग्रामों में हम किसान भाइयों को यही बताते हैं कि किसी भी इंसेक्ट पेस्ट है, कोई भी आप रस चूसने वाला कीड़ा है, चाहे छेदक है या और है, तो उसका एक लेवल होता है खेत के अंदर, उसका एक ऐसा लेवल होता है जिसको इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल कहते हैं कि वो आपको नुकसान पहुंचा सके, अगर उसकी एक्टिविटी उस लेवल से ज़्यादा है तो ही स्प्रे करने की ज़रूरत है। जिस तरह आप खेत में 2 सफ़ेद मक्खी या 10 सफ़ेद मक्खी या सिर्फ ये देख कर कि पड़ोसी स्प्रे कर रहा है, इस तरह अगर आप स्प्रे करोगे तो आपका जो खेती है वो इकोनॉमिकल नहीं रहेगी, उसमें स्प्रे ज़्यादा हो जाती है, अपनी बचत कम आती है। ठीक है, अभी आपने 2 तरह के स्प्रे का जिक्र किया था, एक तो जो पौधे के अंदर जाती है और एक जो जो कीड़ा होता है उसके ऊपर लगती है, तो वो क्या डिफरेंस उन दोनों में? 2 टाइप के इसमें पेस्टिसाइड होते हैं जो मैंने अभी बताया, इसमें अपनी मीटिंग में जो बताया था, एक रस चूसने वाले कीड़े हैं उस पर जो जहर होता है उसका स्वभाव अलग होता है, वो पौधे के सिस्टम में जाता है, पूरा जो पौधा है उसके अंदर फैलेगा, और जब रस चूसने वाले कीड़े पौधे के ऊपर बैठ के उसको चूसेंगे तो वो उनके शरीर के अंदर जाएगा और उसमें कीड़ा है वो मर जाएगा। और जो दूसरा स्प्रे होता है, जैसे ये सुंडी के ऊपर जो स्प्रे किया जाता है वो कॉन्टैक्ट स्पर्श कीटनाशी कहते हैं उसको, तो वो उसके ऊपर गिरेगा और उसको स्पर्श करेगा तो ही वो मरेगी। तो पिछली बार जो गुलाबी सुंडी आई उसमें दिक्कत यही आई थी कि किसान भाइयों ने स्प्रे भी किए पर स्प्रे का टाइम गलत था, जिस टाइम स्प्रे किया या किसान को पता लगा उस टाइम जो सुंडी है वो टिंडे के अंदर प्रवेश कर चुकी थी और वो अंदर शांति से बैठी थी, उसने जो बाहर जो सुराख था वो बंद किया हुआ था और स्प्रे है वो सुंडी तक पहुंच नहीं सका और सुंडी लास्ट तक सर्वाइव करती रही। यानी कि गुलाबी सुंडी के ऊपर स्प्रे डालना, किसान भाइयों को ये देखना पड़ेगा कि सुंडी आपके खेत में है तो वो बाहर किस टाइम है, उसकी एक्टिविटी मैक्सिमम किस टाइम है, उसी टाइम उस पर स्प्रे करना पड़ेगा। उसके लिए यही ज़रूरी है कि रेगुलरली खेत का मुआयना करें और खेत का मुआयना करके गतिविधि अगर दिखाई दे तो उसके बाद में स्प्रे करना है। कौन कौन से स्प्रे आप किसानों को रिकमेंड करना चाहेंगे अभी फिलहाल? स्पेशल कोई ऐसा स्प्रे नहीं किसान भाइयों को मैं रिकमेंड करूंगा कि ये स्प्रे है वो, सारे कीटनाशी जो भी कीटनाशी खेत के अंदर करें उसका सही तरीका होना चाहिए। उसमें यही है कि एक तो जो चिपचिपा पदार्थ है उसका वो पूरा होना चाहिए, उसके बाद में उसकी डोज पूरी होनी चाहिए, उसके बाद में उसका प्रॉपर तरीका होना चाहिए, जो कट नोजल है जिस तरह नोजल है वो सही होनी चाहिए। एक थोड़ा सा स्प्रे में यही है कि एक स्प्रे का छिड़काव करने के बाद दूसरा स्प्रे करें तो वो बदल बदल के स्प्रे करें, क्योंकि कई बार जो कीट है उनके अंदर पेस्टिसाइड के प्रति रेजिस्टेंस हो जाती है, तो मेन डोज का ध्यान रखना है। बाकी काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो मार्केट के अंदर अच्छी है, जिनके रिजल्ट किसान भाई लंबे टाइम तक करते आ रहे हैं, तो वो स्प्रे आप खेत के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, कोई स्पेशली रिकमेंडेशन आपकी तरफ से या आप विभाग जो जिसको ज़्यादा प्रेफर करता हो? नहीं, ऐसा कोई स्प्रे नहीं है, हमारी जो CCSHO हिसार की पैकेज है
पैकेज प्रैक्टिसेज है, उसके अंदर जो जो हमने जो रिकमेंड किए हैं वो स्प्रे उसके अंदर लिखे हुए हैं। बाकी हमारी 15 दिन पे जो कपास की एडवाइजरी जो CCS हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार है उसके द्वारा जारी की जाती है, तो वो हम किसानों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कर सकते हैं। हर मीटिंग में मैं यही बताता हूँ कि व्हाट्सएप के माध्यम से और भी माध्यमों से हमारे से जुड़ें, तो ताकि वो एडवाइजरी वो फॉरवर्ड की जा सके। हम ये भी करेंगे आगे कि जो एडवाइजरी है उसका टाइमली पंपलेट छपवा के ग्राम पंचायतों में भेजेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कवरेज की जा सके। सर कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ किसान? मेरा नंबर है जी 9416160958, तो उस नंबर पे आप मैसेज डालो और मैसेज डाल के आप व्हाट्सएप पे कहेंगे तो मैं उनको एडवाइजरी फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर डॉक्टर देवेंद्र जाखड़ जी हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने जो भी समस्याएं किसानों को इस समय में आ रही हैं उन तमाम समस्याओं पर चर्चा हमने उनके साथ की है। तो खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ मैं भी आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि नीम रस का जो स्प्रे होता है वो किसान भाई जो है वो एक बार ज़रूर अपने खेत के अंदर आजमा करके देखिएगा, उससे भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो हैं काफ़ी इफ़ेक्टिव जो है वो अपनी फसलों के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो उनकी एडवाइजरी मंथली या मंथ में दो बार जो एडवाइजरी जारी होती है उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो नंबर लगातार जो स्क्रीन पर चला रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी उसका नंबर डाल रहा हूँ, तो आप उस नंबर पर व्हाट्सएप पर हेलो हाय का मैसेज करके जो है उस एडवाइजरी कमेटी के साथ जुड़ सकते हैं।